Hello students, today we will study about the second part of our second chapter, the thesis story. So let's start. Students, अभी तक हमने पढ़ा था कि अनिल के घर पे जो हरी सिंह है, चोर जो है, अनिल के घर पे कहीं किसी ना किसी तरह से जॉब ले लेता है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है अनिल को, और अनिल उसको अपने घर की चाबियां भी दे देता है. एंड एक दिन जब अनिल पैसे लेके आता है घर पे और उसको अपने गद्दे के नीचे रखता है, बेड के गद्दे के नीचे, तो हरी सिंह उसको देख लेता है. और हरी सिंह अपने आप को मोटिवेट कर रहा है चोरी करने के लिए, और अपने आप को ऐसी बातें कहता है कि अगर वो पैसे नहीं चुराएगा तो वो अनिल जो है उसको अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा. और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसने बहुत देर से चोरी नहीं की है और वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका है. और साथ में ये भी कहता है कि अनिल उसको पे भी नहीं करता है. एक महीना हो गया वो वहाँ पे अनिल के घर पे काम कर रहा है, बट अनिल इज नॉट पेइंग. सो हर एक रीज़न वो फाइंड आउट करता है किसी न किसी तरह से अनिल के घर चोरी करने का, क्योंकि उसका दिल तो मान नहीं रहा होता उसके यहाँ चोरी करने का, बट कोई वो रीज़न ढूंढता है कि किस तरह से चोरी की जाए. सो अपने आप को इस तरह से वो मोटिवेट करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट. अनिल वॉज अस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट tripped over the balcony and fell on the bed. अब यहाँ पे he is saying कि अनिल जो है वो सो रहा था और a beam of moonlight, जो moonlight की एक ray, जो उसकी किरण थी moonlight की, मतलब moonlight जो है वो balcony में भी पड़ रही थी और साथ ही साथ अनिल के bed पे भी. I sat up on the floor considering the situation. अब वो वहाँ जैसे बालकनी में सोता था हरी सिंह, तो वहाँ से वो उठता है, खड़ा होता है एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन, और पूरी सिचुएशन को कंसिडर करता है अच्छे से, पूरी सिचुएशन के बारे में सोचता है कि किस तरह से चोरी की जाए. सो इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. और वो सोचता है कि अगर वो अभी चोरी कर लेता है, पैसे चुरा लेता है अनिल के बेड के गद्दे के नीचे से, तो वो कहते हैं कि 10:30 बजे जो एक्सप्रेस टू लखनऊ, डैट मीन्स जो लखनऊ एक्सप्रेस जाती है, तो उसको वो उस ट्रेन को वो पकड़ सकता है. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. अब वो कहते हैं कि अपने ब्लैंकेट से निकल के मैं जो अनिल के बेड की तरफ, क्रेप्ट अप मीन्स धीरे धीरे गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. और उसने ये नोटिस किया कि अनिल जो है बहुत ही पीसफुली वो सो रहा है, उसके फेस पे कोई भी शिकन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन. दैट मीन्स अनलाइन, यहाँ पे एक दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो विदाउट टेंशन और दूसरा मतलब उसके फेस पे कोई भी लाइन्स, फाइन लाइन्स नहीं थी, कोई भी झुरियाँ नहीं थी. एंड हिज फेस वॉज वेरी क्लियर, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. और वो कह रहा है कि अगर मैं उसके साथ, अनिल के फेस के साथ अपना फेस कंपेयर करूँ, तो मेरे फेस के ऊपर कई ज़्यादा दाग थे. दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स. कि अगर सेम बात यहाँ पे आ गई, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स. कि और मेरे फेस के ऊपर कहीं ज़्यादा दाग थे और और टेंशन भी थी. My hand slid under the mattress, searching for the notes. और उसने अब वो अनिल कह सॉरी हरी सिंह कह रहा है कि मैंने अपना हाथ जो है मैट्रेस के नीचे से घुसाया एंड नोट्स को इधर उधर टटोलने लगा, सर्च करने लगा. When I found them, I drew them out without a sound. और जब मुझे वो नोट्स मिल गए तो मैंने उनको बिना किसी आवाज़ के बाहर की तरफ खींच लिया. अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अब अनिल ने एक लंबी सांस ली अपनी नींद में ही और उसने अपना जो फेस था मेरी तरफ टर्न कर लिया. उसने जैसे साइड ली सोते हुए, तो उसका जो फेस था हरी सिंह की तरफ आ गया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. और मैं इस बात से स्टार्टल्ड मीन्स सडन शॉक, की अचानक से घबरा जाना या डर जाना. तो अब वो कह रहा है कि जैसे उसने टर्न ली सोते हुए, तो उसका फेस जैसे हरी सिंह की तरफ आ गया, तो उस बात से वो बहुत घबरा गया और जल्दी से रूम से बाहर आ गया. When I was on the road, I began to run. और जब वो कह रहा है कि अब वो जब सड़क पे बाहर आ गया, उसके घर से बाहर आया, तो सड़क पर पहुंचा, तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. अब उसने वो नोट्स कहाँ रखे थे, अपनी कमर में अपने पैजामा के नाले के साथ, जो उसकी स्ट्रिंग थी, जो उसके पैजामे का नाड़ा था, स्ट्रिंग थी, उसके साथ उसने नोट्स को बांध लिया था. आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स.
अब वो धीरे धीरे चलना लगा, अपनी जो रनिंग थी, जैसे वो रन कर रहा था पहले, फिर वो चलने लगा, उसने रनिंग स्टॉप कर दी, दौड़ना बंद करके चलने लगा धीरे धीरे, और साथ में नोट्स को काउंट करने लगा। 600 रुपीज़ इन 50। अब ये कितने पैसे थे? 600 रुपीज़ थे और 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब वो कहता है कि इन 600 रुपयों से मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह एक या दो हफ्ते बिता सकता था। ऑयल रिच अरब मीन्स एक अरेबियन ऑयल मर्चेंट। अरब कंट्रीज जैसे ऑयल रिच होती हैं, तो ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ऑयल मर्चेंट के पास जैसे बहुत पैसा होता है, तो सेम वे ही सेम कि मैं अपने लाइफ को एक दो हफ्तों के लिए ऑयल रिच अरब की तरह बिता सकता था। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. अब वो कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर टिकट लेने के लिए नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट खरीदी नहीं। और दैट मीन्स जब भी उसने ट्रेन पे सफ़र किया है तो ट्रेन पे ट्रेवल किया है तो उसने बिना टिकट ही ऑलवेज ट्रेवल किया। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, अब वो बिना रुके टिकट ऑफिस में रुका नहीं और सीधे के सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगा। डैश मीन्स रन टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और उस टाइम जैसे उसका गेस था कि 10:30 तक उसको लखनऊ एक्सप्रेस उसको पकड़ लेगा, तो शायद वो उसी टाइम पे पहुंच गया। और इस टाइम जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जस्ट मूव कर रही थी, अभी चली थी, जैसे जस्ट मूविंग आउट मतलब वहाँ से अभी अभी डिपार्ट करने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। और दैट मीन्स अभी अभी चलना स्टार्ट हुई थी और उसने अभी ट्रेन ने जो स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरियजेस बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। अब वो कह रहा है कि मैं चाहता तो इस ट्रेन को पकड़ सकता था, थोड़ा सा भाग के किसी भी ट्रेन के किसी भी कैरेज में चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड, बट उसने हेजिटेट किया, रिलक्टेंट, ही वॉज रिलक्टेंट एट दैट टाइम। तो कोई वजह थी कि किस वजह से वो रिलक्टेंट था, वो कह रहा है कि मुझे इस वजह का नहीं पता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। दैट मीन्स उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि शायद वो सोच रहा था कि अनिल के यहाँ उसने चोरी की है, वो बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है, उसने उस पर पूरा विश्वास किया है, और उसे हरि सिंह को वहाँ अनिल के यहाँ चोरी नहीं करनी चाहिए थी। सो दैट मीन्स इस तरह की कई बातें उसके दिमाग में चल रही थी शायद, तो इस वजह से उसने वो जो ट्रेन थी वो मिस कर दी, तो और वो ट्रेन पे नहीं चढ़ा। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब वो ट्रेन चली गई तो सारा स्टेशन जो था, प्लेटफॉर्म जो, वो खाली हो गया था। सो कह रहा है कि जब ट्रेन के जाने के बाद मैं वहाँ पे अकेला ही डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, एम्प्टी प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं रात कहाँ गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रैवल देन हेल्प। अब वो कह रहा है कि मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, क्योंकि उसका ये विश्वास था, ये मानना था कि जो फ्रेंड्स होते हैं दे क्रिएट मोर ट्रैवल देन हेल्प, वो ज़्यादा मुसीबत क्रिएट करते हैं रादर देन हेल्पिंग। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब वो कह रहा है कि मैं स्टेशन के नज़दीक जो छोटे मोटे होटल्स होते हैं तो वहाँ पे भी रह के मैं किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था, किसी को इंटरेस्टेड नहीं करना चाहता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मेरे बारे में कुछ पता लगाएं या कुछ ऐसा भी कि मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोई कोशिश करे, तो ऐसा मैं नहीं चाहता था। सो ही डिडंट वांट टू स्टे एट एनी होटल नियर स्टेशन। The only person I really knew well was the man I had robbed. अब वो कहते हैं कि जिस इंसान को मैं बहुत अच्छे से जानता था वो सिर्फ एक ही इंसान था जिसके यहाँ मैंने चोरी की थी। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब वो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सोचता है वहाँ खड़े होके, फिर उसके बाद स्टेशन छोड़ता है, वहाँ पे स्टेशन से बाहर आ जाता है और बाजार से होता हुआ धीरे धीरे चलता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब वो कहता है कि मैंने अपने करियर में, अब करियर कौन सा, चोरी का करियर, जैसा कि शॉर्ट करियर एज अ थीव, कि अपने चोरी के करियर में मैंने ये नोटिस किया है, मुझे पता है, मैंने लोगों के फेसेस की स्टडी की है जिनके यहाँ चोरी होती है।
द ग्रीडी मैन शॉट पियर, अब वो बता रहा है कि किस तरह के बंदे का कि किस तरह का रिएक्शन होता है। अब वो कहते हैं कि जो लालची इंसान होते हैं वो तो डर शो करते हैं कि जब उनके यहाँ कोई चोरी हो जाती है। रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर लोग होते हैं वो गुस्सा शो करते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं दे शोड एक्सेप्टेंस, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनके यहाँ चोरी हो गई है, कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कि जो चीज़ जानी है वो तो चली गई है। बट आई न्यू दैट अनिल स्पेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। अब वो अनिल को इतने अच्छे से जान चुका है कि वो कहता है कि मुझे पता है कि जब अनिल को पता लगेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई, उसके पैसे चोरी हो गए हैं, तो इट ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, और उसके फेस पे सिर्फ सैडनेस होगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो सैडनेस, वो निराशा वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके पैसे चोरी हुए, बट वो इसलिए होगी क्योंकि उसका ट्रस्ट खो गया, मतलब उसका विश्वास, तो उसके विश्वास को ठेस पहुँचेगी कि उसने किसी पे विश्वास किया और उसने उसे धोखा दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, मैदान मीन्स ओपन ग्राउंड। अब फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मार्केट से चलता हुआ, बाजार से, जैसे उसने बोला कि धीरे धीरे चल रहा था, तो वो एक ओपन ग्राउंड में पहुंचा और एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मीन्स बहुत कोल्ड। अब वो रात, उस रात बहुत ठंड थी, एंड इट वॉज अर्ली नवम्बर, और ये क्यों ठंडा मौसम क्यों था, क्योंकि ये नवम्बर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और अ लाइट ड्रिजल का एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और ऊपर से पहले तो ठंडा मौसम, नवम्बर की स्टार्टिंग, सर्दी की स्टार्टिंग, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी रेन, ड्रिजलिंग मीन्स धीरे धीरे बूंदाबांदी होना, और थोड़ी थोड़ी जो रेन थी उससे वो डिसकम्फर्ट, दैट मीन्स अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था हरी सिंह। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे वाली बारिश जो थी बहुत तेज़ बारिश में चेंज हो गई, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से आनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और इतनी तेज़ बारिश हो गई कि वो पूरी तरह से भीग गया, और उसके कपड़े जो थे, शर्ट और पैजामा, वो भी पूरी तरह से उसकी स्किन के साथ चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और साथ ही साथ बहुत ठंडी हवा चलने लगी, और जो कि जिसे वो अपने फेस पे फील कर सकता था, और उस ठंडी हवा के साथ साथ वो जो रेन की बूंदे थी वो भी उसके फेस पे पड़ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब वो पहले जैसे बाजार से चलता चलता ओपन ग्राउंड में पहुंच गया था, अब वो कह रहा है कि फिर से वो वापस बाजार की तरफ चलने लगा। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर जो कि घंटा घर होता है, ये मेनली सिटी सेंटर में होता है, जैसे मोस्टली हर जगह ही होता है जो यहाँ सिटी सेंटर, सिटी के सेंटर में, तो वहाँ कह रहा है कि मैंने उसके नीचे, क्लॉक टावर के नीचे मैंने शेल्टर लिया, सहारा लिया, और वहाँ पे वो बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, अब जो क्लॉक टावर पे क्लॉक थी वो क्या टाइम शो कर रही थी, रात के 12 बज गए थे, इट वॉज मिड नाइट टाइम। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और उसने इसी रेन के, जैसे वो रेन में भीग गया था तो उसको ये भी एहसास हुआ कि शायद वो जो नोट्स हैं वो भी गीले हो गए होंगे, तो उसने नोट्स को फील किया, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब वो जो नोट्स थे ऑब्वियसली, अगर वो खुद गीला हुआ तो वो भी गीले हो नहीं थे, तो वो कह रहा है कि ये जो पूरी तरह से रेन से गीले हो चुके थे, डैम्प मीन्स वेट। अनिल्स मनी, अब फिर से वो याद करता है कि ये अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो सोच रहा है कि शायद अगर उसने पैसे नहीं चुराए होते तो सुबह शायद जो अनिल है वो उसको 2 या 3 रुपये देता और कहता और सिनेमा जाने के लिए बोलता, या फिर सिनेमा जाने के लिए उसको 2 या 3 रुपये देता, बट अब जो है उसके पास वो सारे के सारे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर। अब उसे याद आता है कि अब वो जैसे अनिल के घर से दूर है, वहाँ से भाग आया है पैसे लेके, तो वो कह रहा है कि अब मैं अनिल के लिए खाना नहीं बना सकूँगा, उसके लिए ग्रॉसरी और वेजिटेबल्स नहीं ला सकूँगा बाजार जाके, एंड आई वुड नॉट बी एबल टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर। अब इसके बाद वो सेंटेंसेज भी लिखना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अनिल उसको लिखना सिखा रहा था, पहले उसने उसको नेम लिखना सिखाया, फिर उसके बाद उसको नंबर्स भी ऐड करने सिखाया, और ये भी बोला कि सेंटेंसेस लिखने सिखाएगा, तो वो इन चीज़ों को शायद मिस कर रहा है।
ही सेइंग आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब वो कह रहा है कि शायद इन चीज़ों के बारे में भूल गया था मैं जब मैंने चोरी के बारे में सोचा। दैट मीन्स उस टाइम पे उसको वो नोट्स दिख रहे थे और जैसे उसका लाइन ऑफ वर्क था, उसका प्रोफेशन चोरी था, तो वो चोरी के बारे में ही सोचने लगा और ये सारी चीज़ें वो भूल गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अब वो ये सोच रहा है कि होल सेंटेंसेस, अगर वो सेंटेंसेस लिखने जान जाता है, उसको सेंटेंसेस लिखने आ जाते हैं, वो पढ़ना लिखना जान जाता है, तो शायद वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है रादर देन दीज अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। और उसके सामने तो ये कुछ एक सौ रुपये, लाइक कुछ एक सौ रुपये, दैट मीन्स जो उसके पास थे 600 रुपये, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे, तो इससे भी कहीं ज़्यादा वो कमा सकता था जब वो पढ़ना लिखना सीख जाए तो। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। अब वो कह रहा है कि चोरी करना तो बहुत आसान है और शायद इतना आसान कि जितना चोरी करके पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। बट एक क्लेवर मैन होना, एक रियलिटी में बड़ा इंसान बनना, एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनना, ये तो कुछ अलग ही बात है। I should go back to Anil. अब वो सोचता है कि उसे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ऑनली टू लर्न टू राइट एंड टू रीड एंड राइट। और शायद वो इसी चीज़ के लिए कि सेंटेंसेस लिखने जो लिखने वाली जो बात है उसको याद आती है, तो वो सोचता है कि मुझे पढ़ना सीखने के लिए और लिखना सीखने के लिए ही शायद मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। अपने आप से वो ऐसी बातें करता है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब वो कह रहा है कि मैं जल्दी से भाग के रूम में गया, जैसे अब वो शायद अनिल के घर में वो वापस आ गया, और वो कह रहा है कि मैं भागते हुए जल्दी जल्दी से रूम में गया और बहुत नर्वस फील कर रहा था। क्योंकि नर्वस क्यों फील कर रहा था, क्योंकि किसी के यहाँ चोरी करना तो बहुत आसान है, बट वो चोरी की हुई चीज़ को वापस रखना और वो भी बिना पकड़े, ये बहुत ही मुश्किल काम था। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अब क्लाउडेड मीन्स डिम मूनलाइट, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हो रही थी, तो जो मूनलाइट थी वो भी डिम नज़र आ रही थी, शायद बादलों के कारण। तो उसने कहा कि मैंने डोर खोला धीरे से और दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, और देख रहा था कि अनिल जो है अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। अब वो कह रहा है कि वो हेड ऑफ द बेड, दैट मीन्स एक बेड के जिस तरफ हम सिर रख के सोते हैं, तो वो कह रहा है कि उस तरफ मैं गया क्योंकि वहीं से उसने पैसे निकाले थे। और एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और अपने हाथ में नोट्स लिए जो कि उसने अपने पजामे के नाड़े के साथ बांधे हुए थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। अब जब वो रखने की कोशिश कर रहा था उन नोट्स को वापस रखने की गद्दे के नीचे, तो वो कह रहा है कि मैं अपने हाथ पे अनिल के ब्रेथ को फील कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं दो एक मिनट के लिए चुप रहा, एकदम स्टिल रहा, दैट मीन्स कोई आवाज़ नहीं की, एकदम शांत वे से वहीं पे रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर उसके बाद उसने मैट्रेस के किनारे तक अपना हाथ पहुंचाया एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और अपने हैंड को गद्दे के नीचे नोट्स के साथ अंदर को स्लिड किया। आई हैव वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और नेक्स्ट सुबह हरी सिंह बहुत थोड़ा देरी से उठा और उसने ये नोटिस किया, उसने ये देखा कि अनिल ने अपनी चाय जो थी वो पहले ही बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने अपना हाथ हरी सिंह की तरफ बढ़ाया। एंड व्हाट डिड ही सी देयर, देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसने देखा कि उसके हाथ में, अनिल के हाथ में 50 रुपये का एक नोट था। तो अब जैसे उसने वो नोट देखा तो ही सेइंग कि माई हार्ट सैंक, मेरा दिल दहल गया, मेरा दिल जो था कि जैसे सैंक मीन्स होता है डूबना, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरा दिल जो था वो थोड़ा सा दहल गया और थोड़ा सा जैसे मतलब वो लो फील करने लगा, और उसको शायद ऐसा लगा कि शायद वो पकड़ा गया कि उसने ऐसे ऐसे पैसे उठाए थे और वापस रखे।
एंड ही ही सेइंग कि आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ, मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। और अनिल ने जबकि उसको क्या कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, मेरे पास कुछ पैसे आए थे, पेमेंट आई थी, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा, दैट मीन्स आई विल पे यू। अनिल जो है हरी सिंह को रेगुलरली पे करेगा मंथली। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स रोज मीन्स किसी चीज़ के लिए बहुत खुश हो जाना। तो इस बात पे हरी सिंह बहुत खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। बट जैसे उसने देखा कि जब उसके हाथ में नोट आया, जब उसने नोट लिया, अनिल ने जो दिया था उसको 50 रुपीज़ का नोट, तो उसने फील किया हरी सिंह ने कि ये जो अभी रात की रेन के कारण अभी भी वो नोट जो था वो गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। और अनिल ने उसे हरी सिंह को कहा कि आज हम सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग। अब हरी सिंह को ये एहसास हो जाता है कि अनिल को सब कुछ पता था, कि अनिल को शायद ये पता था कि हरी सिंह पैसे लेके चला गया था और उसने वापस रखे, दैट मीन्स। और पर वो ना तो उसके लिप्स शो कर रहे थे, दैट मीन्स ना तो उसने मुँह से ऐसी बात कही अनिल ने, और ना ही उसने अपनी आईज के द्वारा ऐसा कुछ शो किया कि उसे कुछ भी हरी सिंह की चोरी के बारे में पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब हरी सिंह कह रहा है कि मैंने अनिल को बहुत ही अट्रैक्टिव सी स्माइल दी, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। और जो स्माइल थी वो अपने आप ही आई थी विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के वो स्माइल जो थी अपने आप ही आई थी। सो विद दिस आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।